मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निरंतर तकनीकी नवाचार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अभिनव पहल करते हुए चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से सीधा औचक संवाद प्रारंभ किया है, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इस नवाचार की शुरुआत बालोतरा जिले के जसोल क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मुंगड़ा में वीडियो कॉल कर की। उन्होंने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक, बारा जिले के अटरू, चूरू जिले के सरदार शहर समेत कई चिकित्सा संस्थानों में वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में एथलीट मीट 2024 का शुभारंभ हुआ। स्पोर्ट्स बोर्ड सचिव डॉक्टर प्रीति शर्मा ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड खेल परिसर में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में अंतर महाविद्यालय एथलीट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक व स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन कुलपति धनखड़ व सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर जयंत सिंह व प्रोफेसर आर एन शर्मा व प्रोफेसर सुरेंद्र मीणा, शैलेश मौर्य, प्रभु दयाल व कोच मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में करीब 1200 एथलीट ने भाग लिया। विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि खेलों में राजस्थान विश्वविद्यालय बेहतरीन परफॉर्म करके विश्वविद्यालय को गौरवान्वित कर रहा है। का जो एक बड़ा नाम रहा हमेशा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे और शुम के लिए भी खेलेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों में जो प्रतिभा होती है और जब नियमित रूप से खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के जो मार्ग है प्रशस्त होते हैं। तो आज उसी के अंतर्गत कार्यक्रम हमने रखा है, उसमें शामिल होने के लिए सब। माउंट आबू में गुरुवार को पाली संभाग के पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक माउंट आबू के उपखंड कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें वायुसेना, थलसेना, सीआरपीएफ और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वायुसेना, थलसेना और सीआरपीएफ के साथ ही स्थानीय पुलिस के मध्य किस प्रकार से तालमेल बिठाकर समस्याओं का निस्तारण किया जाए समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेन मुद्दा था, बाकी इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए और आपस विभाग समन्वय बना रहे, व्यवस्था सब अच्छी रहे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश उसके लिए निकलता है और नियमित रूप से होती रहती है। तो अभी ये काफ़ी दिनों बाद हुई है, तो इसमें अभी आज तो हमने चर्चाएँ ही की हैं और मुद्दों पर बातचीत करी है। और वैसे भी आपको ध्यान ही होगा कि काफ़ी इश्यूज़ हैं माउंट आबू के पार्किंग के और ये सब, तो ये सब चीज़ें जो आम हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन सब पे चर्चा। पोखरण में पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोखरण में 17 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के कार्य को जल्द स्वीकृति मिलेगी, जिस पर करीब 200 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की बात कही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कुछ दिन पहले मुलाकात भी की थी, तो वहीं कई रेल नई रेल लाइन बिछाने के साथ साथ पोखरण शहर कई बड़े महानगरों से जुड़ेगा। इसके अलावा रेल मंत्री को पूर्व विधायक शैतान सिंह, पालिका अध्यक्ष मनीष, मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने पहले ज्ञापन भी सौंपा था। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा कोटपुतली के मुंडावर में ततारपुर पुलिस थाना पहुंचे, जहां रेंज आईजी के ततारपुर थाने पर पहुंचने पर किशनगढ़ बास डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद रेंज आईजी अजयपाल लांबा ने पुलिस थाना एचएम कार्यालय मेस का निरीक्षण किया और डीएसपी थानाधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। आईजी ने पुलिस अधिकारियों को पेंडिंग केसों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। जालौर से खबर है, जहां सायला के पोषाणा में दीवार गिरने से चार मजदूरों के दबने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंचे जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव मौका मुआयना कर निष्पक्ष कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया। दीवार ढहने से तीन मजदूरों की मौत हुई थी, एक घायल मजदूर का इलाज जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोषाणा में यह हादसा हुआ था।
बीकानेर के श्री रूंगनगढ़ नगर पालिका में अस्थायी सफाईकर्मी आवेदकों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद नगर पालिका गेट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। पार्षद मगराज तेजी ने बताया कि अधिकतर प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ आवेदकों के प्रमाण पत्र अभी लंबित है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि इन्हें भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। अभी तो नगर पालिका में सफाई कर्मी की भर्ती चल रही है, प्रतिक्रिया चल रही है। इसमें अधिकांश लोगों को तो कम से कम अनुभव प्रमाण पत्र मिल चुका है, और जो वंचित है तो वो मतलब जायज है, उनका भी मिल रहा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मतलब इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो मैं तो प्रशासन से, अधिकारियों से, चेयरमैन साहब से यह भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको अनुभव प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करे और कोशिश करे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने कोटपुतली में JVVNL के स्टोर का अधिकारियों की ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रांसफार्मरों की वर्तमान और भौतिक स्थिति की जानकारी लेते हुए स्टोर अधिकारी से ट्रांसफार्मर के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रखने के लिए निर्देश दिए हैं। तो वहीं JVVNL के अभियंताओं से फील्ड में सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाते हुए रिपोर्ट शीघ्र स्टोर में भिजवाने के निर्देश दिए गए। खबर बांसवाड़ा से, जहां कलिंजरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 दिन में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। SP हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जोधपुर से खबर है, जहां भदवासियों 80 फीट रोड स्थित ट्रांसफार्मर में लगी आग। आपको बता दें कि धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। तो ट्रांसफार्मर में लगी आग की तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। धू-धू कर जलता हुआ ये ट्रांसफार्मर, मौके पर दमकल पहुंची जिसने आग पर काबू पाया गया। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां घर के आगे कचरे के ढेर में अचानक लगी आग। आग और धुएं के गुबार से मौके पर हड़कंप मच गया। आग से बाइक और पानी की मोटर भी जलकर खाक हो गई। नगर पालिका की दमकल ने आग पर काबू पाया। गांधीनगर कोली समाज धर्मशाला के सामने की ये घटना। बारा के छिपा बड़ौद से खबर है, जहां पर अकरेला मार्ग स्थित परवन पुलिया पर हादसा हुआ। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक चालक की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सारथल और अकलेरा पुलिस पहुंची मौके पर। बांसवाड़ा के आबापुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां नाबालिग से ज्यादती वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। परिजनों ने आबूपारा थाने में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि मामले को पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने गंभीरता से लिया। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। ये 26 तारीख को पीड़िता की मां थाने पर आई थी, जिसने थाने पर उपस्थित होकर बताया कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 13.5 साल है, उसके साथ में 14 तारीख को दुष्कर्म की घटना हुई। रात को 11 बजे से और 2 बजे के बीच बच्ची उसको घर पे नहीं मिली, तो इधर उधर उसने देखा। तो बाद में फिर लगभग 2 बजे के आसपास बच्ची घर पे आई रोती हुई। उसने पूछा तो उसने उसको पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ये घटना हुई थी। माँ उसकी खेत पे पानी पिलाने के लिए गई थी फसल को, तो घर पे अकेली थी और वो आरोपी जो उसको उठा के वहाँ से ले गया और उसके आरोपी के बड़े पापा घर के पीछे ले जाके और उसके साथ दुष्कर्म की घटना की। सुजानगढ़ में पुलिस ने मारपीट व गाड़ी तोड़ने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ गाड़ी तोड़ने के साथ सोने की चैन छीनने का आरोप भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ मारपीट के 9 मामले पहले से ही दर्ज है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि प्रकरण में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 7-11 रात्रि की बात है,
शाहिद के साथ मारपीट का मामला है गाड़ी का होली तोरा सुजानगढ़ का। इनमें असलम सनोप खाजू खां को जो थाने का HS है इसको गिरफ्तार किया है, इसके गिरफ्तार किया है और इसके साथ में किया है रजाक, इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो करते हैं अगली खबर का। करौली के हिंडौन सिटी में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है, जहां शेरपुरा गांव स्थित मंदिर में शिव पार्वती की चांदी के दो मुकुट चुराकर चोर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चांदी के मुकुटों का वजन करीब 1 किलो बताया जा रहा है। तो वहीं सूचना पर सुरोठ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मंदिर में चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष नजर आ रहा है। आरती करके हम धूना में जाके बैठ गए, सारे लोग 8-7 लगे लोग थे और वहाँ हमने चाय वाय पी करके, और ये करीब 7 और 9 के बीच में हुआ है घटना का। उसके बाद में हम धूना से खड़े घर भी चले गए, 7 उन्होंने पट लगा दिए और सुबह जब इनने 6:30-7 बजे मंदिर खोला है तो यहाँ मुकुट नहीं मिले। क्या इस मामले को सूचना दे दी गई पुलिस को? इसमें तुरंत सूचना दी पुलिस को, पुलिस आ गई, पुलिस पूरी जानकारी करके ले गई। महाराज जी कब से पूजा कर रहे हैं, कितने मुकुट गए, क्या रहा? 2 मुकुट गए हैं जिनका वजन था 1 किलो। राम जी की इच्छा से 3 महीने से मैं पूजा कर रहा हूँ, परमानेंट रह रहा हूँ। झुंझुनू में बाइक सवार युवक चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जहां बाइक सवार 2 युवक महिला के गले से झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। चैन स्नैचिंग की वारदात रास्ते में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसे लेकर पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर वारदात को अंजाम देने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा हो गया, जहां स्टील की रॉड और कड़े से हमले में एक स्टूडेंट घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर हालत में स्टूडेंट को ICU में भर्ती करवाया गया। स्टूडेंट के सिर में 4 टांके आए हैं, तो वहीं घटना को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है। संजय कुमार सेन ने बताया कि वह कॉलेज के बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहता है, 2 दिन पहले उसी के साथ सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट से विवाद होने पर धमकी दी गई थी। इसके बाद भावेश चौधरी अपने साथियों के साथ हॉस्टल में आया और हॉस्टल की छत पर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया था और इसी बात को लेकर उन्होंने उसके साथ मारपीट की। खबर चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा से है, जहां उपनगर चारभुजा में स्थित रामलीला मैदान में 20 फीट गहरा प्राचीन कुआं कई मौतों का कारण बन चुका है, लेकिन आज तक प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए इस कुएं को बंद नहीं करवाया। एक बार फिर कुएं में गिरकर 7 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। एक ग्रामीण ने बताया कि पूर्व में भी इस कुएं में गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस कुएं को बंद नहीं करवाया। 2024 को सहे करीब 8-9 बजे सूचना मिली कि एक बच्चा मेला प्रांगण के अंदर हुआ है, उसका मुंह खुला होने से अंदर गिर गया है। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड तथा कर्मचारी मौके पर उपस्थित हुए, अथक प्रयास कर उसको निकाला गया, RFAP उपचारित उसकी। खेड़ली के गांव दारोदा में 1.5 साल की मासूम बच्ची की पानी के टब में खेलते समय डूबने से मौत हो गई। मासूम बच्ची 1.5 साल की थी और अपने घर पर पानी के टब के पास खेल रही थी। उसकी माँ नहाने चली गई, अचानक माँ ने बाहर आकर देखा तो बच्ची पानी में टब में डूबी हुई मिली, जिसे तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल लाया गया, लेकिन मासूम की मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने प्रयास किया लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी। मामला क्या है कि बहुत बच्ची थी, खेल रही थी, खेलते खेलते बाल्टी भरी हुई थी पानी की, उसकी माँ चली गई थी नहाने के लिए, खेलते खेलते उसमें गिर गई, उल्टे मुँह गिरी, उसकी वजह से थोड़ी देर में ही वो छटपट आई, उसके बाद वो बच्ची तो उनको पता लगा क्योंकि माँ बाहर आई, जब जाकर उनको पता लगा वो लेके आए फटाफट हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ आने से बच्चे की सांसें लगभग खत्म। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के घोघरा गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, वहीं मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। प्रेम जी पिता हेमंत पिता प्रेम जी पटेल निवासी देवल खास
ने एक लिखित रिपोर्ट इस तरह की पेश की कि मेरा भाई शंकर करीब 6 महीने पहले झालावाड़ के खानपुर में 1 करोड़ रुपए की लागत से श्री श्याम गौशाला का निर्माण कार्य से पूर्व भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि पूजन स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जगत गुरु शंकराचार्य भानपुर पीठ के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सरपंच प्रदेश कार्य समिति सदस्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीण गौशाला भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद रहे। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पीएम मोदी के आह्वान पर आयुष मंत्रालय की ओर से पूरे देश में प्राकृति प्रशिक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने अपना प्रकृति परीक्षण करवाकर देश का प्रकृति परीक्षण आपको बता दें अभियान का शुभारम्भ किया। प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत हमारे संस्थान में सभी चिकित्सकों शिक्षकों विद्यार्थियों और अस्पताल में आने वाले रोगियों और उनके परिजनों का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। सभी देशवासी अपना प्रकृति परीक्षण करवाकर अपनी प्रकृति को जाने जिससे हमें जानकारी होगी कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और हम किस तरह की चिकित्सा ले सकते हैं या किन किन बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे देश का प्रकृति परीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है जो 26 नवंबर से शुरू हुआ है जो संविधान दिवस है और उसी दिन माननीय राष्ट्रपति महोदया उनका भी प्रकृति परीक्षण किया है। प्रकृति परीक्षण का अर्थ है कि शरीर की अपनी एक तासीर होती है, जैसे आयुर्वेद में बताया है कि शरीर 3 दोष से मिलकर बना है, वात पित्त और कफ। उसी तरीके से शरीर की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, वातिक प्रकृति, पैतिक प्रकृति और कफज प्रकृति। मुख्य रूप से अगर देखें तो एक आमजन को इससे क्या लाभ हो सकता है, तो अगर आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता है तो आप अपना खान पान और रहन सहन दोनों सीजन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। Yes, हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर और हमारे आयुष राज्य मंत्री श्रीमान प्रताप राव यादव जी के प्रेरणा से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में प्रकृति परीक्षण का एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है देश का प्रकृति परीक्षण। और इसी के तहत ये अभियान जो है पूरे आयुष की जितने भी हमारी मैन पावर है, जितने हमारे